केंद्र सरकार दे वल्लों स्वच्छ भारत नू लैके एक मिशन चलाया गया सी, जिस ते चलदियां फिरोजपुर पहले नंबर ते स्वच्छ भारत दे विच आया है। पर तस्वीरां तुहानू असीं फिरोजपुर दियां दिखाउणे आ। स्वच्छ भारत दे विच पहले नंबर जरूर फिरोजपुर ने हासिल किया है, पर फिरोजपुर दियां तस्वीरां की ने वो तुहानू असीं दिखाउणे आ। ये मुल्तानी गेट के बार बार दियां तस्वीरां जिहड़ियां तुहानू असीं दिखा रहे, तुसीं देख सकदे कि गंदगी का आलम की हैगा। रोड की गल करिए तो रोड के उपर भी जिहड़ा कि कवर होया पिया गंद, किसी तरह का कोई कमेटी के वलों जां प्रशासन के वलों इस वल किसी तरह का कोई भी ध्यान नहीं दिता जा रहा। यह तस्वीरां तुसीं फिरोजपुर दियां देख सकदे जे। कागजां दे विच जरूर पहले नंबर दे, पंजाब दे विचों पहले नंबर से फिरोजपुर जिहड़ा स्वच्छ भारत नूं लैके आया है। लगातार जिहड़े ने फ्लैक्सां लगाईआं जा रहीआं ने, खबरां जिहड़ीआं दियां सुरखियां भी बनाईआं जा रहीआं है, पर जमीनी हकीकत की है तुहानू असीं दिखाया। साडे नाल इत्थे लोक वी मौजूद, उहनां नाल गलबात करांगे। वासी ने वीर जी किस तरह देखदे जे आपां गल करिए गंदगी नूं लैके, पंजाब दे विच फिरोजपुर नूं पहले नंबर दा हासिल हो गया है कि पहले नंबर ते फिरोजपुर जिथे गंदगी नहीं हैगी, किस तरह गंदगी दा की आलम है, किवें आ? मैं कहना जी जिहड़ा पहला नंबर जीरो ही रह गया जी, इत्थे आ वेखो सड़कां ते कूड़ा आ पिया, सारा पासे कूड़ा ही कूड़ा आ पिया, कोई सफाई दा नां नहीं लैंदा, कोई कमेटी वाला नहीं आउंदा इत्थे साडे जी। नहीं हुई तो नहीं, असी भी कहते तो नहीं, कई आते ही नहीं, बहुत बुरा हाल कूड़ा महल्ले वाले कूड़ा सट जाते हैं। उन्हें कोई जुगाड़ हो बनया हो ट्राली या बक्सा रख्या हो सटिया जाए, ये हम आप तुम आप ही वे लो सड़क अद्धी सड़क सारी सड़क हो गई, तो जानवर भी इतने रोए फिरते हैं, गावं भी साड़ी तो मेहनत बेनती है भी कूड़े की सफाई की जाए जी। होर भी लोग होर भी मौजूद वीरे, किस तरह देखते जे दावे किए जाते हैं कि गंदगी फिरोजपुर के नहीं हैगी, पर जी गंदगी के कूड़े आम ढेर लगे हुए हैं। हाँ जी बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा गंद वेखो कि है जी, साफ सफाई जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट की वीर जी। ये मेन रोड है ठीक है, इतने एक्सीडेंट के कारण बहुत बंद है, गावां मझां कूड़े की वजह गड्डियां पूरी पहुंचदी नहीं है, सही एक साइड ही लैके जाते हैं, एक्सीडेंट बहुत होंगे ने इतने, बहुत इतने बुरा हाल है जी। इन्हों का किया जाए हल जिमें भी है, सरकार तक पहुँचाओ। रोड किधर जाता, किधर ये बार्डर रोड में, मेन रोड बार्डर रोड में जाता जी, बार्डर रोड मेन बार्डर रोड, बार्डर रोड मुल्तानी गेट तो सीधा बार्डर रोड जा रहा है, सैनी वाला बार्डर। तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ इतने लोगों को, बीमारियां फैलदियां तुहाडे सामने वेखो की हाल है, पशु डंगर अगे आ जाते, एक्सीडेंट हो जाते, बहुत ही ज़्यादा भी बहुत ही ज़्यादा। ये गल ना आप गल करते हैं गावों को लैके, तो गावों के लिए गऊ टैक्स भी जरा कि लगातार जरा कि सरकार के वालों लिया जाता है, पर सामभ संभाल किसी तरह की नहीं, गऊ में एक माता का जरा कि दर्जा जरूर दिता गया, पर किसी तरह का उन्होंने सामभ संभाल नहीं हैगी। वीरे किमें जी आप गल कर रहे गऊ को लैके, जिस तरह तुम गल कर रहे कि मरदिया ने लगातार, ये गंदगी करके ही मरदिया? हाँ जी साहब जी, ये गंदगी खा खा के तुम आह वेख लो, कूड़ा खा खा के मरदिया पईआं ज़्यादा, ते बाकी इंदा हल सानू ज्यादा बंदिया ते असर घट गावां ते ज्यादा पैंदा पै जी, बहुत ही ज्यादा इत्थे कठिन आंदी पई, सानू तकलीफ हुंदी पई एंट्री होण तों विच, जे सिटी विच एंट्री करदे ते गंदगी, जे उधरों आई ते सैनुअल नूं कोई एंट्री करदा तां गंदगी 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 होई, अगे जाके वेखो अगे गंदगी ते बहुत ज्यादा वड्डे टिकट लगे होए ने। हुसैनीवाल जी आप गल करते हैं, हुसैनी वाला जिहड़ा एक शहीदां दी धरती है ठीक है, लोग नतमस्तक होने वास्ते आते हैं, इतों तक कि कुछ दिन पहला प्रशासन के वालों क्या वाल भी ध्यान दिता गया कि साफ सुथरा जिहा रोड है, पर तुसीं कह रहे गंदगी का जिहड़ा कि रोड वह रोड है वीर जी तुहाडे सामने, तुसीं जो मंत्री उदों हुंदी सफाई, अगे पिछे नहीं सफाई करदे, तुसीं आप ही वेलो कूड़ा आपदे मूँह बोलता पे, मैनूं कोई चक्कण वाला है ही नहीं गा। एक वीर इतने होर भी मौजूद होंगे ना वीर, किमें देखते शहर के बाकी साफ सफाई हैगी, शहर सारे जी यो हाल है? सारे शहर जी भाजी यही हाल, पूरे सिटी के कैंट च ठीक है, स्टैंड कैंट च बहुत वधिया सफाई है, पर सिटी के नहीं सफाई हैगी, जो किसी मंत्री ने या MLA ने आना हों कोई सा साफ सफाई कर देते, उस तो बाद कोई पुछता ही कोई नहीं, इवें प्यार इतने भी पिया अगे भी इतने तो थोड़ा इदू अगे उस तो भी ज़्यादा नजदीक घर दूर है, घर के नज़दीक ही है जी, उत्थे घर रहिंदे ने परिवार रहिंदा उत्थे, घट्टो घट्ट 7-8 मैंबर रहिंदे ने उत्थे, उन्हां दे बाहर सारा उपर तक कूड़ा आया पाया, फिर लफाफे पा के जनानियां सुट जांदियां ने, ओह ही गावां लफाफे सड़े खा जांदियां ने, ते गावां दी मौत हो जांदी, लफाफा पोलीथीन हुंदा, पोलीथीन खा जांदियां गावां दे गले च फस जांदा ते गावां मर जांदियां ने। खुद केजरीवाल वाले खुद सफाई करके गए ने उत्थों रूड़ी चक्के, सिर्फ एक दिन बाद च उत्थे ही उस तों वड्डे वड्डे टिक लगे ने इसे कूड़े दे।
ਇਹ ਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਝਗੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ।